हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये महिला गौतम जो कि बहुत उसको अभी हम आप लोग को दिखाएंगे। और जाते हुए देखिए हम जा रहे हैं जो गौतम कुंड इलाके से कुछ हट के गाँव में ही नदी का वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आप लोग को। इसलिए आप लोग को इसका नज़ारा दिखाएंगे। देखिए हम लोग जा रहे हैं, ये हरियाली, आपको बताए थे कि अपने एरिया के बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में रहेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना घंटा में वीडियो बना रहे हैं के लिए। और आप लोग देखिएगा का नज़ारा क्या है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। वहाँ भी जाएंगे, चारों तरफ का नज़ारा। मंदिर आने वाला है, नदी पार करना है। इस बीच में एक नदी आता है, फिर पुल पे आ गए हम लोग और मंदिर सामने दिख रहा है। हम लोग पहुँच ही गए हैं, आप लोग को मंदिर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये मंदिर आ गए हम लोग, आप लोग मंदिर का नज़ारा जो कि हम लोग बताए थे गौतम कुंड के बारे में। गौतम कुंड हम लोग पहुँच गए हैं। उसके बाद आपको हम लोग अभी बाइक से हैं, उसके बाद आपको स्वयं पूरा नज़ारा दिखाएंगे क्योंकि बहुत ही देर तक हो रही है। गौतम कुंड के नाम से जाना जाता है। ये दरभंगा जिला के समतोल से नज़दीक ये मंदिर है। यहाँ लाखों आदमी देखने आते हैं। लेट के वजह से देखिए ये गौतम कुंड मंदिर हो गया जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर दिखने में लग रहा है। और आप लोग को अंदर का नज़ारा दिखलाते हैं। यहाँ हर एक साल मेला लगता है और अभी हम लोग शाम में घूमने के लिए आते हैं। यहाँ मेरे गांव से कुछ ही दूरी पे है और इसका नज़ारा दिखलाते हैं आप लोग को। हम तीन दोस्त आए हैं और अंदर का नज़ारा आप लोग को दिखा रहे हैं जो कि आप देखने के बाद ही पता चल जाएगा क्या नज़ारा है। हम लोग जा रहे हैं। ये हुआ दान पात्र। यही एक अंदर का नज़ारा है। यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता जी का मंदिर है। देखिए अंदर का नज़ारा। बहुत ही ये ऊंचा मंदिर है और बहुत ही अच्छा है। ये नज़ारा आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए मेरा एक दोस्त दान पार्टी में पैसा डाल रहा है। आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये गौतम ऋषि जी हैं, आप लोग जानते होंगे। अब हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और थोड़ा आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए बाहर का नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। आप लोग को नीचे जाकर दिखा रहे हैं। अब हम लोग कुंड के तरफ जा रहे हैं। कुंड में आदमी नहाता है। ये मंदिर हुआ, उसके नीचे ही कुंड है। इस कुंड का एक बहुत ही पुरानी रहस्य है। इसमें 7 कुआं हैं। यहाँ नहाने से, इस कुंड को नहाने से आदमी जो मनोकामना रखते हैं वो पूरा हो जाता है। और अभी कुंड नहीं दिख रहा है। और कुंड जो है सामने है, यहाँ देखिए पूजा किया जाता है। आज हम लोग जो दिखा रहे हैं आपको, अभी भीड़ नहीं है, यहाँ पे एक भी आदमी नहीं है। हम लोग आज घूमने आए थे तो बोले कि दिखला दें। शाम में आए थे, नाश्ता वाश्ता किए हैं। यहाँ का कुंड जो 7 वो कुआं है, पानी ज़्यादा अधिक होने के कारण दिख नहीं रहा है। यही गौतम कुंड है जो कि हमारे गांव से 2 से 4 किलोमीटर हट के है। और अगले वीडियो में आपको अहिला स्थान, जो कि और ही भव्य नज़ारा है, वहां का वीडियो लाएंगे। अच्छा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।